हाँ जी गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल में। और मैं आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ आपको रिपोर्ट्स डैशबोर्ड टाइप दिख रहा है, ग्राफिकल व्यूज दिख रहे हैं। मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं स्टूडेंट्स, जो हमने पावर बीआई सीरीज जैसे स्टार्ट की है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मालूम भी नहीं है कि पावर बीआई है क्या। पावर बीआई के साथ साथ उनको ये भी नहीं मालूम कि पावर क्वेरी क्या है और इसको एक्चुअली लर्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप उस इम्प्रेशन में बैठे हुए हैं जहाँ पर हम एडवांस एक्सेल और एक्सेल बीपी से आगे कभी एक्सेल के बारे में जब बात आती थी तो सोचते नहीं थे। तो हम लोग बात करेंगे कि वाई पावर बीआई, राइट? पावर बीआई आपको क्यों चाहिए और आप इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडवांस एक्सेल एंड वीबीए डैशबोर्ड्स, ठीक है? तो ये वीडियो इन सभी क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए मैं आंसर करूंगा। ये जैसे आप में से कुछ ने ये भी पूछा था कि डू डस पावर बीआई क्या आपको हेल्प करता है इन योर करियर, ठीक है? तो हम इस चीज पे भी बात करते हैं, पावर बीआई से क्या हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक है? और ये भी है कि जिनको थोड़ा आइडिया है पावर बीआई का, उन्होंने उसके रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स देखे हैं, तो उनको क्योंकि रिपोर्ट्स इतने फैसिनेटिंग है, इतने अमेजिंग है, तो उनको दो क्वेश्चंस माइंड में होते हैं कि हाउ मच पावर बीआई या माइक्रोसॉफ्ट आप कह सकते हैं कि चार्जेस अस, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट चार्ज कितना करता है पावर बीआई का और हाउ इजी इट इज, ठीक है? पावर बीआई जो है वो कितना इजी है जब, क्योंकि अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देख लें, मैं दिखाता हूँ आपको अभी, तो आप देखने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि शायद ये बहुत टफ लेवल का एक रिपोर्टिंग होगा। टूल तो अच्छा है लेकिन उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन सभी क्वेश्चंस का आज मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज वीडियो ना देखें, जब समय हो कम से कम 15-20 मिनट अच्छे हो तब ये देखेगा, ठीक है? तो देखिएगा इस पावर बीआई क्या है। बीआई जैसा कि आप जानते हैं, इट इज कॉल्ड अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, ठीक है? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, और जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं। आप गूगल अगर करेंगे, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के बिजनेस टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपने आप में से बहुत लोगों ने टैबलू का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये टैबलू काफ़ी फेमस एक टूल है और ये पावर बीआई से काफ़ी पुराना है और इसने काफ़ी ज़्यादा हद तक मार्केट जो है वो कैप्चर की हुई थी जब हम बात करते हैं बीआई की, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन की। हालांकि अभी का लेटेस्ट जो ट्रेंड है, अगर आप सर्वे करें, देखें, अगर आप गूगल पे या यूट्यूब पे, वैसे अगर आप लोगों से भी बात करें, आप देखेंगे कि टैप्टू को पावर बीआई ने पीछे कर दिया है और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। ये लोग काम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, टेस्टिंग करते हैं और बाद में जो फाइनली इनका रिजल्ट आता है वो बहुत पावरफुल होता है। अब आप खुद देखें, एडवांस एक्सेल देखें, बीपीए देखें, ये सारे टूल्स बहुत फैंटास्टिक है। पावर क्वेरी देखें, पावर पिवट देखें, अमेजिंग, एक से एक चीज़, राइट? तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने, अब हम टैबलू की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग टैबलेट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ आपको बताना था क्योंकि कई बार मुझे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट के कि सर टैबलेट आप सिखाएंगे, टैबलेट कब सिखाएंगे? तो टैबलेट की जरूरत नहीं है, आप पावर बीआई सीख सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन जो पावर बीआई में नहीं मिल रहा है और मुझे लगता है कि पावर बीआई मेरी वो चीज़ें रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा है, तो मैं मे बी टैबलेट की तरफ जा सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। लेकिन हमारे पास घर बैठे बैठे ही हमें सारा कुछ मिल रहा है। और अगर आप एक्सेल और एक्सेल वीबीए से आपका ताल्लुकात है, या मे बी एक्सेल का, वीबीए की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक एक्सेल भी आपको आता है, तो पावर बीआई आपके लिए ईजी होगा क्योंकि आप उसी कंपनी के प्रोडक्ट में रहेंगे तो एक फील आता है, एक एक कम्फर्ट लेवल बना रहता है, ठीक है? तो ये हमारा एक बीआई टूल है और ये हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए और साथ ही साथ डेटा डैशबोर्ड्स के लिए, ठीक है? और डेटा डैशबोर्ड्स कह सकते हैं और डेटा रिपोर्ट्स के लिए। रिमेम्बर, पावर बीआई में रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, पर जनरल एक हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, लेमेन टर्म में बात करेंगे, ठीक है? अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और कहानियों की तरह आपको कुछ ना कुछ बताता रहूं और आप बोर हो जाएं,
सबसे पहले देखना ये होगा कि पावर बीआई में हम कर क्या सकते हैं जब मैं कहता हूँ डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको अपने पावर बीआई के एक डैशबोर्ड में लेके चलता हूँ। छोटा सा डैशबोर्ड है, करने को तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगा के 10-15 मिनट लगा के इस डैशबोर्ड को बनाया था। तो मुझे लगता है मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा और इससे आपको काफी हद तक ये आइडिया मिलेगा क्या मुझे करना चाहिए। मैं तो वीबीए एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो वीबीए प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, तो क्या मुझे ये सीखना चाहिए। वीबीए का इससे कोई लेना देना नहीं है, वीबीए अपनी जगह है, पावर बीआई अपनी जगह है, ठीक है। विस्तार में बात करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये मेरा पावर बीआई है, कैसे इंस्टॉल किया और ये फ्री है, चार्जेबल है, ये सब नहीं, सिर्फ आप ये देखें कि ये एक मेरे पास टूल है और ये टूल आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री है। यहाँ पे मैंने कुछ रिपोर्ट्स का एनालिसिस बनाया हुआ है, जैसे हमारे पास सेल्स है मंथ ऑन मंथ, और यहाँ से क्लियर कट आपको पिक्चर दिख रही है। ये ग्राफ आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो इनका पिक्सल बहुत क्लियर है, राइट। बट ऑफकोर्स आप सिर्फ इन्हीं ग्राफ्स को बनाने के लिए तो पावर बीआई लर्न नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट सेल्स है, ये हमारा क्वार्टरली डेटा है, क्वार्टर वन में ये हमने स्टैट कॉलम चार्ट यूज किया हुआ है, जिसमें हमारी परफॉर्मेंस है, चेतक कंपनी, शेवले, होंडा, सुजुकी, वेस्पा कंपनीज की परफॉर्मेंस है, और इसमें हम देख सकते हैं क्लियर कट, हावर करके मैं देख सकता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे होंडा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इस टाइम कामयाब है। ये डेटा फेक है, राइट, बाय द वे देर से लगाने की जरूरत नहीं है। ये फिर इंसेंटिव है डिपार्टमेंट वाइज, किस मार्केटिंग किस टीम का इंसेंटिव कितना अच्छा रहा है, राइट, ओवरऑल अब तक एज ऑन डेट। तो यहाँ पे जैसे आपका 12 महीने का डेटा है तो ये पूरा 12 महीने का क्लब है, तो सेल्स टीम सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है जब बात आती है इंसेंटिव की, राइट। और कंसल्टिंग टीम को काफी हद तक काम करने की जरूरत है, राइट। तो ये सारा अपना ग्राफ है। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि ये इंट्रा लिंक्ड होते हैं, यानी कि जो आप अगर एक्सेल में करने निकले तो आपको वीबीए का बहुत अच्छे लेवल का इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए और उसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें ये इनबिल्ट है, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता। मतलब कि अगर आपको ये ग्राफ सारा चारों के चारों सिर्फ एक डिपार्ट एक ग्राफ से लिंक करने हो, जैसे मैं चाहता हूँ सेल्स का ही देखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सेल्स पे जैसे क्लिक करें, तो जैसे आप सेल्स पे यहाँ पे इसके ये बार पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ देखें ये सेल्स आपका जो है ये सिलेक्ट हो गया, राइट, और बाकी सारे आपके जो है वो डी हाईलाइट हो गए, ग्रेट आउट हो गए। तो मैं इस टाइम इसका मतलब ये है कि सिर्फ सेल्स पे बैठा हूँ, और आप देखें मेरी रिपोर्ट भी अपडेट होगी, राइट। 5-6 सेकेंड उसने लिए, बिकॉज काफी मैंने इसमें डेटा डाला हुआ है इसलिए थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सेल्स पे मैंने क्लिक किया तो सेल्स के बेसिस पे उस मेरे डेटा के अकॉर्डिंग सेल्स डिपार्टमेंट से जो सेल हुई है वो सुजुकी चेतक जो है प्रोडक्ट की हुई है, राइट। और यहाँ भी आप देख सकते हैं फिर ये जैन से दिसंबर तक का जो परफॉर्मेंस है ये सेल्स का परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पे भी ये सेल्स का ही आपको जो है डेटा उसके अकॉर्डिंग ये वाला हाईलाइट करके दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि अगर मैं सपोज देखिए मैं कंसल्टिंग पे जाता हूँ, मैं कंसल्टिंग पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए कंसल्टिंग पे क्लिक करते ही मेरा डेटा जो है बाकी ग्राफ्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, राइट। कंसल्टिंग में हमारे पास दो ही प्रोडक्ट सेल हुए हैं, जिसमें से एक सुजुकी है और एक आकाप शेवले है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं मार्केटिंग पे जाऊंगा तो मार्केटिंग पे आप क्लिक करके देखें, ये देखिए ये अब मार्केटिंग के बेसिस पे आपकी परसेंटेज चेंज होगी, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन पे जाएंगे तो देखिए प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपका डेटा जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप जिस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा, पहली बात। और अब अगर मुझे इसे बाहर आना है तो आप इस ग्राफ पे क्लिक कर सकते हैं या दोबारा इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे दोबारा अगर क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली सारी सिलेक्शंस आपकी हो गई और ग्राफ आपका सेल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन कंसल्टिंग के बेसिस पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अब ऐसी बात नहीं कि यहीं से कंट्रोल हो सकता है, हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका इस ग्राफ में ऐसी क्या खास बात है कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो बाकी चेंज हो रहे, ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑप्शन दी हुई है, आप कहीं और भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे होंडा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं होंडा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस ग्राफ में। जैसे ही आप होंडा में क्लिक करेंगे बाकी सारा ग्राफ होंडा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं होंडा मेरे डेटा के अकॉर्डिंग होंडा प्रोडक्ट जो है उसके अंदर सेल्स और मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम काम कर रहे हैं और ये उनके नंबर्स है, राइट। उसी तरीके से ये होंडा का आपका सारा जो है ये सेल है। अगर आप सुजुकी में जाएंगे तो सुजुकी का आपको डेटा मिल जाएगा। मैं सुजुकी पे क्लिक करता हूँ, सुजुकी में मार्केटिंग प्रोडक्शन है ही नहीं, मतलब इस प्रोडक्ट के ऊपर जो टीम्स काम कर रही थी वो है सेल्स,
ठीक है, उनका इंसेंटिव आपको दिख रहा है यहाँ पे 21,209 का, और ये आपका हाईलाइटेड 5,219 का, और यहाँ पे आप देखिए हाईलाइटेड 5,118 का, टोटल 9,936 में से। ठीक है, तो ये आप देखें जब मैं इन पे हावर करता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे पास बाय डिफॉल्ट आती है, या वीबी में भी कर सकते हैं, लेकिन वीबी में हमें इसमें बहुत अच्छे लेवल की इन्फॉर्मेशन नॉलेज चाहिए होगी, लेकिन अभी जो मैंने रिपोर्ट बनाई है वो कोई भी बना सकता है। तो पावर बी आई का जो उद्देश्य है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जब इसको बनाया, उन्होंने ये कहा कि कोई भी आदमी जो है अपना, चाहे वो सेल्स में हो चाहे मार्केटिंग में हो, मतलब जिसको डेटा एनालिसिस बनाए, जिसको ज़्यादा एक्सेल की नॉलेज भी नहीं है, वीबी की तो बात ही छोड़ दे, उसको कुछ ऐसा दिया जा सके जो घर बैठकर वो फटाफट ऑफिस में बैठकर रिपोर्ट बना सके, राइट। तो ये सारे इस हिसाब से हमारे टूल्स होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो लोग नहीं जानते हैं पावर बीआई के, ये मैं इनको बता दूँ, ये यहाँ से सारा विजुअलाइजेशन फिल्टर यूज़ किए जाते हैं, मैंने इनको हाइड किया हुआ है ताकि मैं ज़्यादा अच्छा व्यू आपको दिखा सकूँ। तो ये यहाँ से आप ग्राफिकल व्यूज, फील्ड्स वगैरह, फिल्टर्स वगैरह चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे आप सेल्स टारगेट रिपोर्ट है, आप सेल्स टारगेट जो है रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप देखिए जैसे यहाँ पे हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हमने सेल्स और टारगेट का एक बहुत अच्छा कंपनी वाइज ग्राफ बनाया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो टारगेट है वो हमारा डार्क कलर है और जो सेल्स है वो उसे लाइट कलर है। तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि जैसे आप देखिए होंडा पे हमारा जो टारगेट है वो 69,000 का था और सेल्स जो हुई है वो 54,000 की हुई है। तो ऑब्वियसली ये लाइन ग्राफ बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं कलर पिक्सल्स बहुत फैंटास्टिक हैं, राइट। फिर ये दूसरा हमने ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें हमने तीन चीज़ें ली हुई हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज है, मार्केटिंग, सेल्स, कंसल्टिंग वाइज की आप देख सकते हैं सेल्स टारगेट और इंसेंटिव वगैरह का रिपोर्ट है। यहाँ पे हमने एक पाई ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आपका आ रहा है। इसी तरीके से जैसे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे स्पेसिफिकली किसी भी पाई चार्ट के पार्ट पे, जैसे अगर मैं इस स्पेसिफिक पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे बाकी ग्राफ्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये अगर आप देखें यहाँ पे होंडा का कंट्रीब्यूशन है और मैंने होंडा पे क्लिक किया था तो यहाँ पे हमारा लाइन ग्राफ में सिर्फ होंडा रह गया और यहाँ पे भी होंडा रह गया, और ये भी आपकी परफॉर्मेंस जो है ये उसके बेस पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी, मतलब होंडा कंपनी के प्रोडक्ट में सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग ने कितनी मेहनत की, ठीक है। इसके बीच में क्लिक करेंगे तो डेटा वापस आ जाएगा, राइट। ये हमारा फनल चार्ट है, फनल चार्ट भी आप रेडीमेड फीचर है, यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कौन सी कंपनी कितना अच्छा कर रही है, डेटा फेक है, मैं दोबारा बता दूँ। उसके बाद जैसे एक ये डैशबोर्ड है, इसमें हमने स्कोर कार्ड बनाया है, स्कोर कार्ड में आपने ये देखा है कि टोटल हमारे डेटा में जो हमारा मंथली डेटा है पूरे साल का, उसमें हमारा एवरेज टारगेट कितना था और उस एवरेज टारगेट के अकॉर्डिंग कितना हमने अचीव किया। तो देखने से पता लग रहा है हम थोड़ा सा टारगेट से पीछे हैं। यहाँ पे ये कुछ हमारे टेबल्स हैं, अगर जैसे अगर आप जैन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारा का सारा जैन के अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं आप। अब ये आपका जो स्पीडोमीटर है ये आपको ये बता रहा है कि 75 आपका टारगेट था और जिसमें से आपका जो अचीव हुआ है वो 52 ही है, और मैक्सिमम हमने 100 रखा हुआ है, एक आइडल नंबर जो नॉट अचीवेबल है, बट अगर ये हो जाता है तो दिस इज फैंटास्टिक, बट द टारगेट इज 75। तो ये जैन का परफॉर्मेंस, अगर आपको जून का देखना हो, जैसे आप जून पे क्लिक करेंगे देखिए जून के नंबर्स चेंज हो गए, राइट। तो पूरे का पूरा आपका ये देखिए, जून में हम बहुत बुरा कर रहे हैं, 93 का टारगेट था और हमारा सेल हुआ 54, और नो डाउट आप देखिए स्पीडोमीटर कहाँ शिफ्ट हो गया और आपका अचीवमेंट सिर्फ यहाँ रह गया, राइट। उसी तरीके से क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस मतलब सितंबर मंथ में, ऑब्वियसली आप जानते हैं सितंबर क्वार्टर थ्री में आता है, और उसमें हमारी कंपनीज का ये परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने कलर चेंजेस भी किए हुए हैं, जो सेल बहुत कम है उसका कलर डिफरेंट है और जो सेल ज़्यादा है उसका कलर डिफरेंट है, राइट। एनीवेज ये सब हम डिस्कस करने नहीं बैठे हैं कि मतलब वो कैसे क्या है, हम ये देख रहे हैं एक्चुअली पावर बीआई है क्या। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये प्रोडक्ट डिस्प्ले अब जैसे हम अक्टूबर कर देते हैं, ठीक है, तो अक्टूबर के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। इसमें ये एक तरह का हमने टेबल डिस्प्ले किया हुआ है जिसमें चेतक, शेवरले, होंडा कंपनीज के आप सारी इंफॉर्मेशन एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। एक इसे हम कार्ड कहते हैं, एवरेज सेल भी आ गया, टारगेट भी आ गया, एवरेज ऑफ कमीशन भी आ गया, एवरेज ऑफ इंसेंटिव भी आ गया। तो मतलब इस तरीके की डैशबोर्ड्स बनाना बहुत इजी हो गया आप, और ऑब्वियसली आप इसके कहीं पे भी
यहाँ पे नीचे क्लिक कर देंगे अगर, तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। ये टेबल हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस टेबल में अगर आपको डेटा देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सेल का टेबल होता है वैसे ये टेबल है और कुछ नहीं है। और भी इसमें अच्छी बात है कि इसमें हमारे पास रेडीमेड यहाँ पे जब आप चाहते हैं टेबल पे फीचर्स है ये ड्रिल डाउन के लिए। जैसे अगर आप ड्रिल अप कर देंगे तो आपके पास सिर्फ क्वार्टरली परफॉर्मेंस रह जाएगा। ये अगेन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ ये कंडीशन आपकी एक तरह की फॉर्मेटिंग की गई है, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस है, टोटल भी आ रहा है, जैसे पिवट आपका काम करता है। आपको एक लेवल नीचे जाना हो आप यहाँ पे क्लिक करके फटाफट से जा सकते हैं। ये आपको पिवट की याद दिलाएगा जो हम एक्सेल में यूज करते थे। ये मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखिए ये नेक्स्ट आपका उस स्पेसिफिक क्वार्टर में कौन सा प्रोडक्ट है उसका आपको डिटेल मिल जाएगा। आप वापस जाना चाहें आप यहाँ से वापस जा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्वार्टर फोर पे क्लिक करेंगे क्वार्टर फोर आपका एक्सपैंड हो जाएगा, आप वापस जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस देखनी है आप क्वार्टर वन पे क्लिक करें, क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था अगर आपको सारी परफॉर्मेंस देखनी है तो आप यहाँ एक बार अप लेवल जाएं, इसको पूरा एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपैंड ऑल है, ये रेडीमेड फीचर्स है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर आप टेबल में इंटरेस्टेड हैं तो आप टेबल के थ्रू भी अपना डेटा देख सकते हैं। बट ये डैशबोर्ड आपको बहुत चीजें बता रहा है, राइट, स्पेसिफिक चीजें भी बता देगा। जैसे मैंने बोला कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ मंथ वाइज कुछ देखना चाहते हैं तो यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक अप एक लेवल ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, मैं कहता हूँ मुझे क्वार्टर वन का परफॉर्मेंस देखना है तो ये क्वार्टर वन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जैन फेब मार्च चेंज हो गया, फैंटास्टिक, राइट। सो जैन फेब मार्च में टोटल सेल कितना हुआ है, ये आपका वो वाला सेल है जो 56703 तो आ ही रहा है यहाँ पे, लेकिन ये मंथ ऑन मंथ है और ये उस मंथ के ये बेसिकली प्रोडक्ट वाइज है कि अगर जैन और फेब और मार्च की बात कर रहे हैं तो इसमें किस कंपनी का प्रोडक्ट कितना हमारा सेल हुआ है, राइट। सो ये इस तरीके से है। और अब हम इसे दोबारा से आप इसको चाहे तो यहाँ से एक लेवल अप करके दोबारा से हम इसे ड्रिल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मतलब आप पूरा टेबल खोल के रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये तो कुछ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे ही आप देखिएगा इसकी हमारा एक सेल्स ट्रेंड है ये हमने बनाया हुआ, ये वाटरफॉल चार्ट है, इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज का डिप देख रहे हैं मंथली। जैसे हमारा स्टार्ट हुआ था बहुत अच्छा, उसके बाद हमारा थोड़ा डिप हो गया, उसके बाद फिर हम थोड़ा ऊपर गए, फिर डिप हुआ, फिर और डिप हुआ, फिर ये ऊपर हुआ ऊपर हुआ, ठीक है। तो मतलब ये डिक्रीज का साइन सिंबल कलर और इंक्रीज का, इस तरीके से मतलब वाटरफॉल भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए ये एक बहुत अच्छा हमारा कार्ड है, ये आपको सारा विजुअलाइजेशन से मिल जाएगा। इसमें हमने क्या कोशिश की है कि एम्प्लॉय आईडीज का कॉन्ट्रीब्यूशन चेक किया है कि वो कौन कौन से डिपार्टमेंट से और किसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी इस ग्राफ को देख के आप क्या समझते हैं, इसमें आप क्लियर कट एक चीज देख सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे टेस्ट 11 का, ठीक है, बहुत ज्यादा है क्योंकि वो स्पेस ज्यादा ले रहा है। उसी तरीके से अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा तो उसका जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं ये सारे जैसे लेवल नहीं है इनका अपना अपना, तो विड्थ और लेंथ है, तो जिसका जितना ज्यादा लेंथ विड्थ होगा वो उसी हिसाब से चलेगा, राइट। सो ये हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही हैं। जैसे अगर मुझे सपोज आप कहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ एसोसिएट वाइज देखना है, तो आप ये सारी चीजें अपनी विजुअलाइजेशन रिपोर्ट में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सपोज हम कहते हैं कि भाई हमें ये एम्प्लॉय नेम है डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो आप डिपार्टमेंट यहाँ से हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे आप डिपार्टमेंट हटाएंगे यहाँ से ये रिफ्रेश हो रहा है, डिपार्टमेंट हट जाएगा और आपका एम्प्लॉय नेम जो है वो सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल रह जाएगा, ठीक है। सो वेट करते हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली टाइम लेगा क्योंकि आप इतनी खतरनाक और अच्छी रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो सारी कैलकुलेशन तो आपकी करेगा। तो ये देखिए हमारा जो है डिपार्टमेंट अपने ही आ रहा है, मतलब हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किस का सेल कितना अच्छा हुआ है, राइट। लेकिन अगर आपको इसमें मान के चलो कि लगता है कि नहीं डिपार्टमेंट ऐड करना है तो डिपार्टमेंट आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ये फील्ड्स में आप जाएंगे, ठीक है, वैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से हम अपना डेटा चूज कर सकते हैं और ये डेटा है, मेरे पास दो टेबल्स हैं इसमें, जैसे मुझे डिपार्टमेंट चाहिए तो मैं डिपार्टमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पे दोबारा डाल सकता हूँ। तो जैसे आप डिपार्टमेंट डालेंगे वो डिटेल जो है एम्प्लॉय आईडी की ऑटोमेटिकली आपकी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरीके से आप डिपार्टमेंट यहाँ पे अगर कर देते हैं तो वो डिपार्टमेंट वाइज आपको डेटा दिखाएगा,
राइट सो ये इस तरीके से है. इसके आगे टॉप परफॉर्मेंस भी आप चेक कर सकते हैं. जैसे पिवट में आप टॉप परफॉर्मेंस बनाते हैं, टॉप 3 परफॉर्मर आपके डेटा से निकल के आते रहेंगे, आप वो भी कर सकते हैं. जैसे इस केस में आप देखें ये डेटा भी लोड हो रहा है. हाँ जी ये आ गया. सो मैं इसको फुल व्यू बनाता हूँ. पहले ये देखिए हमने इसमें कोशिश की है कि सबसे ज्यादा सेल्स जो की हैं वो 3 एम्प्लॉय आईडी कौन से हैं. उनका वो है test 2, test 5 और test 12. तो ये हमने एक आपका डोनट चार्ट बनाने की कोशिश की है. ठीक है इसमें हमें पता लग रहा है किस किस की कैसी सेल्स है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कितने टॉप 3 इंसेंटिव किस किस ने लिया है. तो इसमें test 1, test 9, test 6 आ गए. उसी तरीके से top 3 कमीशन. ठीक है कमीशन लेने वाले top 3 कौन से हैं. ठीक है सो test 11, test 6, test 1, test 2 मतलब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये नाम टेस्ट 11 ये आपके नाम हो सकते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है. ठीक है इसमें 4 आ रहे हैं, शायद फिल्टर लगाने में मैंने गड़बड़ कर दी होगी, बट आइडियली मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं और ये आपके ग्राफ्स बने हुए हैं. राइट और यहाँ से हम इसको स्लाइसर जैसे पिवट में होता है कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे अगर मुझे सेल्स टीम में देखना हो तो मैं यहाँ से सेल्स टीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ. अब ये सारा का सारा डेटा आपका सेल्स के अकॉर्डिंग चलेगा. तो ये जो लोग हैं ये टॉप 3 ये सेल्स डिपार्टमेंट से डील करते हैं. पहले ओवरऑल था राइट तो ये भी एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है. नीचे भी आपका क्या सेल हुआ और क्या टारगेट आपने अचीव किया ये आपका यहाँ से आपको जो है क्लियर कट पता लग जाएगा. ठीक है और अगर आप यहाँ पे जैसे कंसल्टिंग है कंसल्टिंग पे क्लिक करेंगे तो ये कंसल्टिंग ग्राफ सारे के सारे आपके चेंज हो जाएंगे. कंसल्टिंग टीम में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो टॉप में आ रहे हैं. मतलब कि क्योंकि मैंने डमी डेटा यूज किया है तो इसका मतलब ये होगा कि शायद कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में लोग ही 2 हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ 2 का डेटा दिखा रहा है. उसी तरीके से अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं तो ये मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा जो है चेंज हो जाएगा. राइट अब इसमें जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपसे बात करते करते मैंने देखा कि इसमें हमारे पास 4 लाइन्स आ रही हैं जबकि हमारा प्लान ये था कि ये आपका सिर्फ सेल्स के ऊपर चलना चाहिए और टारगेट के ऊपर. तो अब इसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं. आप इसको सिलेक्ट करें ग्राफ को और इसके विजुअलाइजेशन में जाएं क्योंकि हमें 2 ही लाइन्स चाहिए. ये देखिए ये गड़बड़ होगी. इंसेंटिव वाली लाइन हम यहाँ से हटा देंगे. तो ये आपका पिवट की तरह काम करता है राइट लेकिन पिवट की तरह करता है बट पिवट जैसा नहीं है. पिवट से बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का ये BI टूल है राइट मतलब अगर आपने पिवट पे काम किया होगा तो ये आपको काफी हेल्प करेगा समझने में राइट. नहीं भी किया होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पूरा पूरा डैशबोर्ड बनाने में मैंने ना VLOOKUP ना कोई फंक्शन यूज नहीं किया. दिस इज जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप. तो ये बड़े पावरफुल आपके डैशबोर्ड है और जब आप यहाँ पे आउटसाइड क्लिक कर देंगे ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से जब आप इसको क्लियर सिलेक्शन कर देते हैं जैसे पिवट के स्लाइसेस में होता है आपके पास सारा का सारा डेटा वापस आ जाएगा. तो ऐसी बहुत चीजें हैं गाइस जो आप पावर बीआई में कर सकते हैं राइट. ये छोटा सा एक उसका मैंने आपको उदाहरण दिया है. ठीक है तो अब आपको समझ आया कि आपको बीआई क्यों करना चाहिए क्योंकि आप किसी भी तरीके के लेवल के डैशबोर्ड बना सकते हैं. पावर बीआई आके आपकी हेल्प करता है आपके करियर में. वेल आज की डेट में अगर पहले आप थोड़ा जाएं यहाँ से कुछ साल पहले तो हमें एक्सेल के साथ VBA मांगा जाता था. अब हमें VBA के साथ साथ BI का भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट आ गया है राइट. कुछ कंपनीज तो सिर्फ पावर BI के ही जो है लोग वो ढूंढ रही हैं राइट. उनको सिर्फ रिपोर्ट्स बनवानी है, उनको सिर्फ डैशबोर्ड्स बनाने हैं और उसका अच्छा खासा नॉलेज वो कैंडिडेट्स में ऐसे सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनको आता हो. तो डेफिनेटली गाइस करियर की बात आप बिल्कुल इसमें सोचे भी ना. ये आपका नेक्स्ट स्टेप है अगर आप VBA कर चुके हैं. अगर आपने VBA नहीं भी किया है तो भी आप एक्सेल के साथ साथ इसको कर सकते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपस में जब जुड़ती हैं तो आपका एक बहुत सॉलिड प्रोफाइल रिज्यूमे तैयार हो जाता है. एडवांस एक्सेल, पावर BI, पावर पिवट, टैक्स, पावर क्वेरी, एम कोड एंड VBA राइट. सो ये सब चीजें करें लेकिन पावर BI की बात कर रहे हैं तो यस ये करियर के लिए आपके बहुत एक इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम भी हर 2 महीने में कुछ ना कुछ नया डाल रही है, अपडेट कर रही है राइट. जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली देखा कि इन्होंने पाइथन और आर लैंग्वेज भी डालना शुरू कर दिया है और मैंने क्योंकि मैं आर लैंग्वेज और पाइथन का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है. पर डेफिनेटली आप ये देख सकते हैं कि ये कितना पावरफुल टूल है कि इसमें कितना कुछ ये लोग ऐड करते जा रहे हैं. ठीक है जैसे इसमें आप मैप्स भी ऐड कर सकते हैं. अगर आपने देखा होगा कई बार मैप के अकॉर्डिंग आपको देखना हो किस ग्लोब के अराउंड US में, इंडिया में, जापान में, एशिया या कॉन्टिनेंटल टाइप आप कुछ ग्लोबल मैप बनाना चाहते हैं आप यहाँ से बना सकते हैं. तो बहुत अच्छी इसमें चीज़ें हैं तो इसको ज़रूर करना है आपने ऑब्वियसली. हाउ मच पावर BI चार्जेस अस.
पावर बीआई जो है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पावर बीआई हमारे पास फ्री वाला भी है और हमारे पास पेड वाला भी है। अगर आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप फ्री वाला ले सकते हैं, वो आपको आपके पर्सनल आईडी पे नहीं मिलेगा। यानी अगर आप किसी कंपनी के पार्ट हैं, आपको कोई ऐसा आईडी है जो याहू नहीं है, जीमेल नहीं है, तो आप वो जो है उस आईडी के बेसिस पे ले सकते हैं। तो नेचुरली कोई भी आदमी इसको तभी लेना चाहेगा जब वो किसी कंपनी प्रोफाइल में काम कर रहा है, राइट, या फिर उसका अपना कोई बिजनेस है तो आप वो ईमेल आईडी से ले सकते हैं। पेड में हमारे पास बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, दो चीज़ें आती हैं, एक तो हमारे पास पेड में आता है पावर बीआई प्रो और दूसरा आता है प्रीमियम। जो प्रीमियम है वो उन वो स्पेशली उन कंपनीज के लिए जहाँ पे आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा है जो इसको यूज़ करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि इसका चार्जेस भी उसके अकॉर्डिंग होगा। प्रो का मतलब अगर आपकी टीम छोटी है और आप $10 पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नेचुरली ये प्लान ले सकते हैं। खैर ये तो वो बातें हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम से जब आप बात करेंगे तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगी, पर जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई है वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, और पेड की तरफ जाने की जरूरत नहीं बिकॉज वो आपकी कंपनी आपको देख लेकर देगी, राइट। हाउ इजी इज पावर बीआई? वेल पावर बीआई आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ये एक बेसिक एक्सेल यूजर भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप अगर सेल्स टीम में हैं, आपका मेजरली काम है सेल्स का, आपको एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बनना है, या आप मार्केटिंग टीम में, आप मार्केटिंग आपने MBA किया हुआ है और आप इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आप साइड बाय साइड किसी IT वाले या MIS पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। या तमाम वो लोग जो रिटायर्ड हैं या CAs हैं जिनको लगता है कि उनके पास एक्सेल का वो लेवल नहीं है और वो किसी और पे डिपेंडेंट है, तो आप सब अपने लेवल पे ये रिपोर्ट्स अब बना सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये छोटा सा एक प्रयास मेरा कि पावर बीआई एक्चुअली है क्या पसंद आया होगा। ऑब्वियसली बहुत कुछ है करने को, हम सारा का सारा चीज़ें ऐसे कवर नहीं कर सकते हैं, बट एटलीस्ट ये बहुत एक मुझे अचंबा और काफ़ी दुख भी हुआ ये देख कर कि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि पावर बीआई है क्या, जबकि ये मार्केट में 2013 से है, राइट। ऑब्वियसली ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ सडन पॉपुलर हो गया, और ऑब्वियसली उसका रीज़न ये बहुत ईजी है। तो आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएं, एक्सेल और VBA से संतुष्ट होकर बिल्कुल ना बैठें, आपको ये बिल्कुल करना है, डेफिनेटली करना है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, अगर आप MIS एनालिस्ट हैं, या आप किसी भी ऐसी जॉब प्रोफाइल में हैं, आप गूगल रिसर्चर हैं या रिसर्च एनालिटिक्स में हैं, या आप डैशबोर्ड्स बनाते हैं, कुछ भी, मुझे नहीं पता क्या डिपार्टमेंट हो सकता है आपका, लेकिन अगर आप WFM में भी हैं, आप ये सारी चीज़ें बहुत अमेजिंगली कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट, अपने डेटा एनालिटिक्स को, डैशबोर्ड्स को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं सिंपल से इस टूल को सीखकर। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे बहुत जल्दी एक और शानदार वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।